हम लोग एसी वर्मा के चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर के सवाल को हम लोग कर रहे थे ना, अप टू क्वेश्चन नंबर 50 कर चुके थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 51 कि हमको एक एमिटर कंस्ट्रक्ट करना है। एन एमिटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच कैन बी रीड अप टू 2 एम्पियर। जो एमिटर 2 एम्पियर करंट को रीड कर सके। जो कितना के करंट को रीड कर सके सर? 2 एम्पियर। इफ द क्वाइल हैज द रेजिस्टेंस 25 ओम। और इस एमिटर में जो क्वाइल है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 25 ओम है। एंड टेक्स 1 मिली एम्पियर। जो हमारा क्वाइल का रेजिस्टेंस है वो कितना करंट ले लेता है? 1 मिली एम्पियर। जब करंट लेता है तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट यूज्ड? तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस ऑफ द शंट का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एमीटर के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है एमीटर? हाँ, तो हम लोग क्या जानते हैं एमीटर क्या होता है? अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में ये अगर हमारा गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे, इसके पैरेलल में अगर हम लोग लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है सर? एमीटर बन जाता है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास एमीटर है जो 2 एम्पियर करंट को वो बतलाता है। क्लियर है? जिसमें एक शंट लगा हुआ है, सॉरी शंट जिसका क्वाइल का रेजिस्टेंस 25 ओम है और क्वाइल में करंट जो है वो 10^-3 एम्पियर है। और इसके पैरेलल में एक शंट लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन? कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट अगर जा रहा है इधर के तरफ, कितना गया? 10^-3 एम्पियर। तो इधर के तरफ कितना चाहेगा? 1.999 एम्पियर। क्लियर है? अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो क्वाइल वाला रेजिस्टेंस है और शंट जो है वो हमारा क्या है? पैरेलल में है। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों जगह का पोटेंशियल क्या होगा सर? सेम होगा। बोले तो यहाँ पर करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ का करंट इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है सर? सेम है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ का करंट कितना है? 10^-3। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? 25 ओम। इज इक्वल टू यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस। यहाँ का करंट कितना? 1.999। और यहाँ का रेजिस्टेंस है RH, जिसको आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ये RH का वैल्यू कितना होगा? हम लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा सर? 25 × 10^-3 डिवाइडेड बाई 1.999। अब जरा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 1.25 × 10^-2 ओ। अब हमको क्या दिख रहा है? ये हमारा क्वाइल का रेजिस्टेंस, ये जो हमारा शंट ना, शंट का वैल्यू बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, यह बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बोलेंगे सर ये जो वैल्यू है वो बहुत कम है ना। हाँ, तो अभी हम लोग बोले थे ना कि जो शंट यूज करते हैं हम लोग एमीटर में, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है कि बहुत ज़्यादा? तो लो रेजिस्टेंस कहने का मतलब बहुत कम होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को। देखते क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है। ए वोल्टमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए रेजिस्टर ऑफ 1.15 किलो ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक वोल्टमीटर है,
एक वोल्ट मीटर है जिसमें क्वाइल का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा दिया हुआ है 50 ओम ना, और इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका वैल्यू है 1.15 किलो ओम, मतलब 1150 ओम। क्लियर है? इट कैन बी रीड पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 12 वोल्ट। ये जो है वो कितना कितना पोटेंशियल को रीड करता है? सर 12 वोल्ट को। अब क्या बोलता है, इफ दिस सेम क्वाइल, ये जो क्वाइल है, ये क्वाइल हमारा गैल्वेनोमीटर का ना, अब क्या बोलते हैं, इफ दिस सेम क्वाइल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एन एमीटर। अब बोल रहा है कि अगर सेम क्वाइल को जो वोल्ट मीटर में हम लोग यूज किए हैं, वही सेम क्वाइल को अगर हम लोग यूज करते हैं एमीटर को कंस्ट्रक्ट करने में, तो ए एमीटर विच कैन बी मेजर करेंट अप टू 2 एम्पियर। तो जो हमारा एमीटर है वो 2 एम्पियर करेंट को मेजर करेगा। क्लियर है? ये हमारा 50 ओम है। तो सवाल ये पूछा है आपसे, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट यूज्ड। तो ये आरएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आरएच का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब बताइए, पिछला सवाल और इस सवाल में क्या फ़र्क है? पिछला सवाल में यहाँ का जो करंट है वो गिवन था ना, इसका मतलब ये है कि क्वाइल में कितना करंट जा रहा है ये हमको निकालना पड़ेगा। और हम लोग कहाँ से निकालेंगे सर? यहाँ से निकालेंगे ना। अब देखिए, यहाँ हमको टोटल रेजिस्टेंस पता है, यहाँ का हमको टोटल पोटेंशियल भी पता है, तो क्या हम लोग यहाँ पर करंट निकाल लेंगे? एकदम से निकाल लेंगे। बताइए तो ज़रा, वी इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर, बोले तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आई इक्वल टू क्या बोलेंगे, वी कितना दिया हुआ है 12, और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अगर ये सीरीज में है तो 50 प्लस 1150, बोले तो कितना हो गया सर 1200। ये हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर। क्लियर है? अच्छा, ये आ गया हमारा करंट। ये करंट यहाँ आएगा कितना, 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर, यहाँ भी कितना जाएगा, 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर। इससे हमको पता क्या चला कि जो हमारा क्वाइल है इसमें करंट कितना जा रहा है, 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर अगर जाएगा तो ये क्वाइल क्या करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेगा। मतलब इस क्वाइल को फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने के लिए 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर का करंट चाहिए। क्लियर है? अगर इधर 2 एम्पियर है, इधर 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर है, तो इधर की तरफ कितना करंट आएगा, हम लोग बोलेंगे 1.99 करंट आएगा। क्लियर है? इतना एम्पियर करंट। तो आरएच का वैल्यू कितना होगा, वापस से वही वाली बात कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, बोले तो पोटेंशियल इक्वल टू आई इंटू आर, बोले तो यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस ना, और यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस। जरा बताइए हमको, यहाँ का करंट कितना है, 10 का पावर माइनस 2, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 50, इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, 1.99 इंटू आरएच। तो बताइए जरा, आर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 50 × 10 का पावर माइनस 2 / 1.99। तो ये हमारा आर एच जो है वो आ जाएगा 0.251 ओम। क्लियर है? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 52 ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है। ए पोटेंशियोमीटर वायर ए बी सोन इन फिगर, एक पोटेंशियोमीटर वायर है हमारा ए बी सोन इन फिगर, वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन ए बी सो डैट गैल्वेनोमीटर सो नो डिफ्लेक्शन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि गैल्वेनोमीटर का फ्री एंड को कहाँ पर कनेक्ट किया जाए कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो नो डिफ्लेक्शन देगा।
जो गैल्वेनोमीटर है वो नो डिफ्लेक्शन देगा, बोले तो नो करंट ना। जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो किसका एप्लीकेशन है सर, तो हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है ना, या फिर बोले हम लोग ये कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है पोटेंशियोमीटर, तो हम लोग बोलते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अगर चार रेजिस्टेंस हैं यहाँ 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 यहाँ, तो हम लोग कहेंगे P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, अगर P ये है, ये Q है, ये R है, और ये क्या है 12 S है। क्लियर है? अब यहाँ के रेजिस्टेंस तो हमारे पास नहीं है, क्लियर है, पर लेंथ तो है ना। पूरा लेंथ कितना है सर, 40 सेंटीमीटर है। हम मान लिए कि ये पॉइंट पर करेक्ट करने के बाद जीरो डिफ्लेक्शन देता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, बोलेंगे 40 माइनस एक्स। अब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रपोर्सनल होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 बाई एक्स यहाँ का रेजिस्टेंस बाई यहाँ का रेजिस्टेंस। अब यहाँ का रेजिस्टेंस तो नहीं है, पर यहाँ का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, लेंथ का। तो ये एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, 12 बाई 40 माइनस एक्स। क्लियर है? अब बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 12 एक्स ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 320 माइनस 8 एक्स इक्वल टू 12 एक्स। तो 320 इक्वल टू 20 एक्स ना। तो ये कितना हो गया हमारा, x इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जो डी पॉइंट आएगा, ये डी पॉइंट जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का फ्री एंड को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो डिफ्लेक्शन कितना देगा, जीरो। हाँ, और वो पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ए से कितना दूरी पे होगा सर, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा पोटेंशियोमीटर का ही सवाल है। क्या बोल रहा है कि यहाँ का रेजिस्टेंस 6 ओम है, यहाँ का हमको फाइंड आउट करना है अगर वायर का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का फ्री एंड लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और ये पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर पर। तो बताइए अब हमको ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा 50, ये 30, ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब वापस से वही थ्योरी को लगा दीजिए आप, ये बाई ये इक्वल टू 6 बाई 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R बाई 20। बस सॉल्व कर लीजिए और आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लीजिए। 6 इंटू 20 इक्वल टू 30 R, 6 इंटू 20 इक्वल टू 30 R ना। अच्छा ये कट गया, 3 से ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये कितना आ गया हमारा, 4। क्लियर है? तो R इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 4 ओम। बोले तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 55। ए 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस यूनिफॉर्म वायर ए बी। एक 6 वोल्ट का बैटरी है विथ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि जिससे कनेक्टेड एक यूनिफॉर्म वायर ए बी ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ए बी का जो लेंथ है वो हमारा कितना दिया हुआ है सर, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज जॉइंट टू द पॉइंट ए। एक और बैटरी हमारे पास 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का, हाँ, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, पॉइंट ए से। क्लियर है? आज सोन इन फिगर
टेक द पोटेंशियल एट पॉइंट बी टू बी जीरो, यहाँ का पोटेंशियल को आप क्या मान लीजिए, यहाँ का पोटेंशियल को आप क्या मान लीजिए, जीरो, पॉइंट बी का पोटेंशियल को आप जीरो मान लीजिए। तो क्या बोल रहा है सर फाइंड करने के लिए, व्हाट आर द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड सी, तो आप हमको बतलाइए पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड सी कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड सी कितना होगा। जरा देखिए, अगर यहाँ का पोटेंशियल बी, पोटेंशियल बी पे, पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना, जीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो गया, जीरो। अब आ गया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आने से यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 6 वोल्ट, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, 6 वोल्ट। तो सबसे पहली बात, वी ए इक्वल टू क्या हो गया सर, 6 वोल्ट। अब क्या पूछा है, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ना, चलिए अब 6 वोल्ट था यहाँ पे, यहाँ पे अब हम लोग आए 4 वोल्ट बैटरी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हमारा यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे 6 था सर यहाँ पर, यहाँ पे 4 वोल्ट है, ये हो गया हमारा 2 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे बोलेंगे यहाँ पर 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 2 वोल्ट, यहाँ पे हो गया 2 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस तो है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता अगर करंट यहाँ पे फ्लो करता, पर सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है, ये कनेक्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, और जब कोई करंट नहीं होगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप भी नहीं होगा, तो ये पोटेंशियल को कोई ड्रॉप नहीं करेगा। तो पॉइंट सी पर अगर यहाँ पोटेंशियल 2 वोल्ट है और ये कोई ड्रॉप भी नहीं कर रहा है, तो पोटेंशियल पॉइंट सी पर पोटेंशियल कितना होगा, हम लोग बोलेंगे सर 2 वोल्ट ही होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, 2 वोल्ट ही बोलेंगे। क्लियर है? अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे पार्ट बी का। क्या बोल रहा है सर पार्ट बी, एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी, डी जो होगा कौन सा पॉइंट होगा वायर ए बी का, द पोटेंशियल इज इक्वल एट सी, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, जितना सी के पास है, तो सी के पास पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, तो पॉइंट डी भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 वोल्ट। तो हमको क्या पूछ रहा है ये सवाल कि ये कितना डिस्टेंस होगा, ये लेंथ कितना होगा, कि पॉइंट डी के पास पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। अब ये जो वायर है, ये वायर क्या कर रहा है सर, पोटेंशियल का ड्रॉप कर रहा है, क्या कर रहा है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप कर रहा है, यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ कितना है, 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल का ड्रॉप किया ना, तो और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। हम बोल क्या रहे हैं कि बताइए ज़रा कि ये लेंथ कितना होगा। क्लियर है? तो अगर हम लोग बोले कि लेंथ पर यूनिट पोटेंशियल कितना है, लेंथ पर यूनिट पोटेंशियल, तो टोटल लेंथ कितना, 100, और टोटल पोटेंशियल कितना है यहाँ का, 6 वोल्ट ना। अब बताइए, अब हमको बताइए आप कि ये वाला लेंथ कितना होगा, तो अगर हम लोग इसमें इंटू कर दे पोटेंशियल का ड्रॉप, कि यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है, तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं ये लेंथ को, एकदम से निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/6, ये हमारा क्या है, लेंथ पर यूनिट पोटेंशियल है ना। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना का ड्रॉप हो रहा है सर, यहाँ 6 यहाँ 2, बोले तो 4 वोल्ट का ड्रॉप, इंटू हम 4 से कर देंगे, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 33.3, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया हमारा पार्ट बी। अब चलिए हम लोग चलते हैं पार्ट सी के पास। पार्ट सी क्या बोलता है, इफ द पॉइंट सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय ए वायर, हाँ, व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट। क्या बोल रहा है कि अगर अगर ये और ये पॉइंट को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें,
तो बताइए कि करंट कितना फ्लो करेगा, ये और इस पॉइंट को, डी और सी पॉइंट को अगर कनेक्ट कर देंगे तो कितना करंट फ्लो करेगा। अब बताइए जरा, यहाँ का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, यहाँ का भी कितना था, 2 वोल्ट। पोटेंशियल सेम कि अलग, सर पोटेंशियल सेम। अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम तो क्या करंट फ्लो करेगा, हम लोग बोलेंगे सर इस यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कितना करंट, हम लोग बोलेंगे 0 एम्पियर। पॉइंट सी में क्या आ जाएगा हमारा, 0 एम्पियर। अब क्या बोलता है क्वेश्चन पार्ट डी में, इफ द 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट बैटरी, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्लियर है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ये जो बैटरी है इसको बोल रहा है लगा देने के लिए 7.5 वोल्ट का, तो पार्ट ए और पार्ट बी में जो आप किए इसको आप वापस से करके बतलाइए। पार्ट ए में क्या निकालने के लिए बोल रहा था, ये बोल रहा था पार्ट व्हाट आर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड सी, पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था ना, कहाँ कहाँ ए एंड सी के पास। तो वापस से बताइए, तो ए के पास पोटेंशियल कितना, यहाँ पे 0 0 6 6 बोले तो बी ए वापस से कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। अब यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ पे 7.5 वोल्ट है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 6 माइनस ऑफ 7.5 इक्वल टू हो जाएगा बी एट सी। बोले तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे -ऑफ 1.5 वोल्ट। ठीक है, -ऑफ 1.5 वोल्ट। अब बी पार्ट में क्या बोलता है, एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पॉइंट एट सी, क्या बोलता है। अब वापस से बोल क्या रहा है कि डी कौन सा पॉइंट होगा, डी कितना डिस्टेंस पर पॉइंट होगा पॉइंट ए से, जहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी, बोले तो 2 वोल्ट। अब ये जो है नॉट पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारा 6 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल का ड्रॉप कितना करेगा यहाँ से यहाँ तक, सर 6 वोल्ट का, है ना, 6 वोल्ट का ही करेगा। क्लियर है, अब ये 6 वोल्ट का ही करेगा, ये वैल्यू कितना है बताइए, तो -1.5। बोले तो ये आ गया हमारा, ये आ गया कितना हमारा 1.5 माइनस, तो डी पॉइंट क्या होगा, डी जो पॉइंट होगा वो भी कितना आना चाहिए, -1.5। अब वायर कहाँ से कहाँ तक का पोटेंशियल को बताएगा, सिर्फ 6 से लेकर के 0 तक बताएगा। क्या ये माइनस में बताएगा क्या, नहीं ना, माइनस में ड्रॉप को तो नहीं भेजेगा ना, नहीं जा सकता है। अगर ये और वायर बड़ा होता, ये बैटरी जो हमारा इससे बड़ा होता तब जाके पॉसिबल था, पर क्या बैटरी हमारा ये 7.5 वोल्ट से बड़ा तो नहीं है, नहीं है, ये 6 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कितना करेगा, सर अगर ये 6 है तो ये क्या करेगा, 6 5 4 3 2 1 फिर वापस से 0 0 के बाद माइनस में तो नहीं जाने वाला है ना। और क्या बोल रहा है हमको कि पॉइंट डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, पॉइंट डी पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, -1.5 वोल्ट। ये क्या पॉसिबल है इस वायर में, हम लोग बोलेंगे इस वायर में कहीं पर भी ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है, -ऑफ 1.5 वोल्ट। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 55।